कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए जमीन तलाशने में जुट गई है। मुद्दा चाहे जो भी हो, कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क से और कार्यालयों तक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 40 दिवसीय किसान यात्रा निकाली है। इस किसान यात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता लोगों को, खास करके किसानों को, यह आश्वासन दे रहे हैं कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो उनकी हर समस्याओं का संभव समाधान किया जाएगा। क्या है इस कांग्रेस की किसान यात्रा की पूरी रिपोर्ट, देखिए राम शकल यादव की इस विशेष रिपोर्ट में। आजमगढ़ जिले में 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले की जमीन तैयार करने के प्रयास में जुटी कांग्रेस किसानों के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। किसान जागरण अभियान के जरिए जहां कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वहीं किसानों से समस्याओं से संबंधित फार्म भरवा कर यह भरोसा दे रही है कि उसके उत्पादों को सही मूल्य दिलाने तक वह संघर्ष करती रहेगी। यह अभियान अब 5वें चरण में पहुंच गया है। इसके तहत मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन SDM को सौंपा, किसान समस्याओं के समाधान की मांग की। बता दें कि कांग्रेस द्वारा 40 दिवसीय किसान जागरण यात्रा चलाई जा रही है। इस अभियान के तहत अब तक कांग्रेसियों ने 50,000 से अधिक किसानों से मिलकर फार्म भरवाया है। कांग्रेसी किसान समस्याओं को अब तक सांसद विधायक के सामने उठा चुके हैं। आज यह अभियान जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। SDM को ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने बताया कि और समस्याओं और मांगों के संदर्भ में किसानों से जो फार्म भरवाए गए हैं उसमें किसानों के फसलों का उचित समर्थन मूल्य न मिलने पर विशेष जोर दिया गया है। किसान उचित मूल्य न मिलने के कारण परेशान है। कर्ज माफी ना होना किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। आवारा गोवन से किसान बहुत परेशान है। खाद, बीज, बिजली बिल तथा डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, जिससे किसान परेशान है। किसानों को आवारा गोवन से मुक्ति दिलाए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा उन्हें फसल रखवाली भत्ता दिया जाए। खाद, पानी, बिजली, बीज एवं डीजल किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाए। किसानों की कर्ज माफी की जाए। किसानों को लागत से दुगना समर्थन मूल्य दिया जाए। पराली निस्तारण के लिए किसानों को सरकार की तरफ से धन उपलब्ध कराया जाए। गन्ना बकाया भुगतान व उसके दामों में वृद्धि की जाए। यदि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसान जन जागरण अभियान 40 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा था, जिसका पहला चरण यह था कि हमारे प्रत्येक ब्लॉक के कार्यकर्ता को गांव-गांव जाना था, एक मांग पत्र भरवाना था, उसमें किसान की समस्याएं थी। किसान अपनी समस्याओं को उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ट्रिक कर रहा था कि किन समस्याओं से उसको गुजरना पड़ रहा है, किन समस्याओं से उसको नहीं गुजरना पड़ रहा है। ये पहला चरण 10 तारीख से 16 तारीख का था। दूसरा चरण 17 से 23 का था। 17 से 23 तारीख के जो चरण का जो उद्देश्य था वो ये था कि प्रथम आवर, फर्स्ट आवर 12 बजे के पहले तक किसानों के बीच जाना था, मांग पत्र को लेकर उनके बीच जाकर उस मांग पत्र को भरवाना था। दूसरे चरण में प्रत्येक शाम को 2 नुक्कड़ सभाएं होनी थी। 17 से 23 तक का कार्यक्रम था दूसरा चरण था। तीसरा चरण 23 तारीख को विधानसभा के प्रत्येक विधायकों को जो है ज्ञापन प्रेषित करना था, मांग पत्र प्रेषित करना था। चौथा चरण सांसदों को मांग पत्र सौंपना था, इस उद्देश्य से सौंपना था कि वो जा करके पार्लियामेंट में उठाएं। पांचवा चरण संबंधित तहसीलों पर, हमारे जिले की समस्त संबंधित तहसीलों पर वहाँ के सम्मानित नेताओं द्वारा जा करके मांग पत्र संबंधित जो भी उपस्थित रहा उप अधिकारी या तहसीलदार को सौंपा गया है। इस आशय और उद्देश्य से सौंपा गया है कि किसानों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।